प्रश्न संख्या 61 श्री अरविंद सावंत जी। 61 सर, क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया है। माननीय अरविंद, द मिनिस्टर इज वेल अवेयर कि मुंबई या पूरा महाराष्ट्र उसमें 730 किलोमीटर की पूरा कोस्टल एरिया है और कारलैंड है, और आप जानते हो कि महाराष्ट्र ने भी खुद का एक कानून बनाया हुआ है, वो 1969 में उसको पारित किया गया, महाराष्ट्र कारलैंड डेवलपमेंट एक्ट 1979। अब उस एक्ट के तहत उसमें प्रावधान है कि राज्य की सरकार भी जमीन का अधिग्रहण जनता के हित में विकास के काम के लिए कर सकती है। अब हमारे मुंबई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट शुरू है, और मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट के समय ये हुआ कि मेट्रो रेल के लिए जब वन का जमीन ली गई तो हमारी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा कि वन की जमीन मत लीजिएगा। उन्होंने मुंबई में कांजूर क्षेत्र में मेट्रो रेल के कार शेड के लिए जमीन की मांग की। अब पहले सरकार जो राज्य में थी तब उस राज्य की सरकार के मार्फत कहा गया था कि ये कारलैंड हमारी है, राज्य सरकार की है, लेकिन नई सरकार आई, अब नई सरकार ने मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट कांजूर में व कांजूर शेड बनाने के लिए उसकी मांग की, तब केंद्र की सरकार कहने लगी ये कारलैंड है और ये हमारी है। अब सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, और यही कारलैंड के कारण हमारा कांजूर मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट प्रलंबित रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आपने उत्तर में कहा है कि कुछ सिफारिशें 21 मार्च को मंजूर की है, क्या उस सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कांजूर शेड के जो प्रकल्प जो भारत राज्य की सरकार ने आपके पास प्रस्तावित किया उसको मंजूरी दी जाएगी, और केंद्र की सरकार वो जमीन राज्य की सरकार को हस्तांतरित करेगी क्या? सभापति महोदय, ये सही है कि महाराष्ट्र में कारलैंड डेवलपमेंट एक्ट अंडर महाराष्ट्र एक्ट नंबर 1179 है, जिसको समय समय पर मॉडिफाई भी किया गया है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सवाल है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सीआरजेड नोटिफिकेशन 2019 इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ओवरऑल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द प्रोविजन ऑफ सीआरजेड नोटिफिकेशन 2011 इज इन फोर्स पेंडिंग अपडेशन ऑफ सीजेडएमपी एज पर सीआरजेड नोटिफिकेशन 2019। मैं आपको आगे कहना चाहूँगा कि जो ड्राफ्ट सीजेडएमपी मुंबई और नवी मुंबई डिस्ट्रिक्ट के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने जो भेजे हैं वो मिनिस्ट्री को रिसीव हो गए हैं, और वो भी अंडर एग्जामिनेशन है। आप जानते हो कि मुंबई में सरकार किसकी भी हो, हम पहले अपने सरकार एनडीए सरकार के माध्यम से मुंबई शहर के लिए मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके प्रोजेक्ट के लिए ये हमारी जो कांजूर शहर की जमीन है वो अगर मिले तो वो प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो सकता है। आपने कहा कि आपके पास महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है, मैं आपसे विनती करता हूँ क्या ये प्रस्ताव आप कितने दिनों में मंजूर करके महाराष्ट्र की सरकार को उसकी जानकारी दे देंगे? नियत जो नियम और प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है, और मैंने पहले भी कहा ये अंडर एग्जामिनेशन है।